व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ओके गाइज, फिलहाल आज मैं काफ़ी दिनों बाद स्टैंड लेके ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हें पता है, पता हो शायद नहीं पता हो, क्योंकि आज जो बिग बॉस में चौथे नंबर पर अर्चना गौतम दीदी आई थी, आज वो दिल्ली एयरपोर्ट आने वाली है, और फिलहाल मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। देखता हूँ मिलती है नहीं मिलती, मिलती है तो फिलहाल आपको भी मिला देंगे, तो आपको मिलाते हैं। तो चलते हैं फिलहाल अभी। A few moments later. तो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, भाई ने काफ़ी मदद करी, भाई थैंक यू भाई हेल्प करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, और अभी रास्ते में, तो चलते हैं फिलहाल। फाइनली आज फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पहुंचा हूं, और देख रहा हूं भाई सब काफ़ी खुशी हो रही है। और फिलहाल आप देख सकते हो टर्मिनल 3 सामने है, और अभी कुछ समय रह रहा है जो कि अर्चना दीदी आएंगे, इतने मैं वेट करता हूं, और फिलहाल आपको भी मिलाता हूं और ख़ुद भी मिलता हूं। तो बने रहना ब्लॉग पे, ब्लॉग को स्किप मत करना प्लीज़। तो चलते गाइस, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं दीदी का, तो फिलहाल अभी दीदी आने वाली है, फ्लाइट टेक ओवर तो हो गई है, तो मिलते हैं आपको भी मिलाते हैं, तो बने रहना ब्लॉग में। फिलहाल क्या चल रहा है? अर्चना चल रही है बस। तो फिलहाल अभी आने वाली है दीदी, तो आपको भी मिलाते हैं और हम भी मिलते हैं। दीदी अभी आने वाली है, उन्हें थोड़ी सी अपडेट दे दी, मतलब वो अभी एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, और फिलहाल अभी यहाँ पे काफ़ी फैंस आए उनसे, उनके लिए मिलने के लिए दूर दूर से, तो अभी आने वाली है। और ये दीदी आई है आसाम से, काफ़ी दूर से, कुछ बोल दो। बोलो क्या बोलो, बस आई हूँ अर्चना से मिलने, बहुत बड़ी मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड। आगे मत जाना भैया, वीडियो बनाने देना। अरे यार, मेरठ की शेरनी अर्चना गौतम दिल्ली में आ चुकी है। क्या चल रहा है बहन? कैसे चल रहा है मुंबई में? कैसे चल रहा है मुंबई में बहन? अरे बहन नाम रोशन कर दिया, नाम रोशन कर दिया बहन। भाई आराम से मिलो यार, आराम से, एक आराम से मिलो, एक एक करके मिलो, एक एक करके मिलो यार। हेलो किशन भाई, अर्चना हमारे साथ, और भाई भाई नाम रोशन किया, थोड़ी देर बाद एक मिनट ब्रो, अभी हमारे इंटरव्यू का वाले नहीं है। हाँ हाँ, दो मिनट रुक जाओ बस, आ जाओ। अर्चना बहन आप हमारे समाज की शान हो,
हूँ और बिग बॉस में शेरनी होके आई और शेर की तरह रहूंगी। बस अब थोड़ी देर अब इंटरव्यू कर लेगा मेरे को। अरे भैया नाम रोशन कर दिया दीदी आपने हमारा। प्लीज बहन बहुत बहुत बोल रही है गाइस एक बार इनको कर लेने दो भैया। हेलो वर्क कर लेते हैं अच्छा मैं आप इनको कर लेते हैं आप एक बार पीछे हो जाओ। कोई नहीं भाई हमारे गुलशन भैया तो है ही गए गुलशन भाई हमारे एक बार वीडियो गुलशन भैया गुलशन भैया आपका डांस बहुत अच्छा लगा बिग बॉस में और आपने जो चुलबुल किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बवाल मचा दिया बिग बॉस में जाकर काफी मजा आया। भैया एक फोटो में दिखाए दोनों साथ में भैया फोटो में दिखाए दो साथ में भैया जल्दी करो हम तीनों को ले लेते कैच रहा हूँ भाई तो ऐसे ले ले मेरे की शेर नहीं है शेर नहीं भाई बहुत सपोर्ट किया है बहुत सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा अर्चना दीदी से हम मिल के आ चुके हैं तीनों और काफी मजा आया लड़की थी बहुत दिल खुश हुआ से मिलके तो काफी अच्छा लगा फैमिली से गुलशन भैया से उनकी मम्मी से मिले गुलशन बहुत अच्छा था बेचारा नेचर वाइज में पूरी फैमिली नेचर वाइज बहुत बढ़िया फैमिली है। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं करते हैं तारीफ करो उतनी कम है यस एंड अर्चना इतनी ब्यूटीफुल है गाइस रियलिटी में भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। तो गाइज काफ़ी अच्छा लगा मिलके तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में न्यू प्लेस में जब तक के लिए टाटा बाय बाय।